आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है। तो ये जो दो सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गए। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा, और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। वक्त गुजर गया, अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत ने पहुंचा दिए गए। रवीश कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे अक्सर NDTV पर अपने शो प्राइम टाइम में बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाते रहते हैं। इस बार उन्होंने फेसबुक पर लाइव होकर बेरोजगारी के मुद्दे पर खुलकर बात की। पहले तो रवीश ने अलग अलग क्षेत्र में नौकरियों क्यों गई इसके बारे में बात की और विस्तार से बताया। आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। तो देखिए, तीन तरह की चीजें हैं, स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज़्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000-15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के मुकुट हैं, इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहाँ अच्छी चीज़ें बनाने नहीं आई, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो दो सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गया, और टेक्सटाइल भी था वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है आप समझिए, ये हमारे ज़िलों के, बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का BA 5 साल में हो रहा था, मज़े में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपए का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है, इसका लाभ हम उठा रहे थे। लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए, और जो 10,000 से 12,000 कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी वो भी संभावना समाप्त हो गई। इसके बाद रवीश ने एजुकेशन पर सवाल भी खड़े किए, उन्होंने क्वालिटी शिक्षा पर जोर दिया और सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है, सैलरी कम है उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है,
सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000-50,000 रुपए होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा, तो आप गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे या उतना ही अमीर हो पैसा आएगा कि आप जी सकें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है क्योंकि आपको काम नहीं मिला। तो इनका कहना है कि जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आपका हुनर खराब होगा। अब इन्होंने स्किल इंडिया चलाया लेकिन एजुकेटेड इंडिया नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे कॉलेजों में मास्टर रखने पड़ते, अच्छे मास्टर रखने पड़ते, तो आप क्वालिटी के छात्र बनते, तो अच्छी नौकरी करते अपनी भी और ऐसा कुछ करते कि और लोगों को भी नौकरी देते। स्वरोजगार आप अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, किसी ने लिखा, अनुराग ने, कि बिहार SSC में 6 साल से पेंडिंग है। ये मजाक नहीं है क्या? क्या समझ रखा है लोगों ने इस देश के नौजवानों को? ये मजाक हो रहा है आपके साथ। तो आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बने, आप कोचिंग में भटकते रहे मामूली BA पास करने के लिए, कॉलेज में महंगी फीस दी लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग में दोबारा पैसा दिया। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है, वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। आप मत करो। तो आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बंद कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना समाप्त हो गई, तो बेरोजगारी बढ़नी थी। इसके अलावा कई और अहम मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही लाइव चैट में आ रहे मैसेजों का भी उन्होंने जवाब दिया और जनता को रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इसके बारे में कहते दिखे। सरकार जो भर्तियां निकाल रही थी वो सिर्फ 4th grade की भर्तियां निकाल रही थी, तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो नौकरी जिसकी 4th grade की सैलरी चुकी 20,000-25,000 थी और प्राइवेट सेक्टर में जहां वो 12,000 पे काम कर रहा था इंजीनियर होते हुए भी, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हुए भी, जाहिर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। 90% आबादी जो वर्क फोर्स है वो अगर मामूली तनख्वाह पर नौकरी करेगी तो बाजार कैसे बड़ा होगा, ये तो आप सुन समझेंगे। तो वो कई लाख करोड़ रुपया आप 10 उद्योगपति 100 उद्योगपति के चौपट धंधे को बचाने में आप लगा रहे हैं, उससे आप लोगों को नौकरी दीजिए। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि लोगों को कई तरह की सामाजिक सुरक्षा की चीजें नहीं देनी होगी, तो ठेकेदार तो सरकार से 15,000 रुपए के हिसाब से कर्मचारी का पैसा लेता है और कर्मचारी को रखता है 6,000 पे, तो सरकार ही रखे कम से कम 6,000 की जगह 15,000 तो मिलेगा। अब तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले बयान दे देते हैं कि 90% इंजीनियर नौकरी देने लायक नहीं है। क्यों भाई, उनसे पैसा तो आपने पूरा लिया, 4 साल उनके जीवन का लिया, अब आप कह रहे हैं कि नौकरी देने लायक नहीं है, तो फिर उस कॉलेज को बंद करना चाहिए था, उस कॉलेज से पैसा वापस करवाना चाहिए था कि कैसे आपने कह दिया। इसलिए काम करने के हालात खराब किए जा रहे हैं, जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए, ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में या जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। EWS वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं चलेगा कि 17 सितंबर को नौजवान प्रदर्शन कर रहा है नौकरी के लिए तो न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे। हाँ शेखर गर्ग साहब, मैं किसी क्रांति की आशा नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं नौजवानों को, ये मेरी बात सुनकर धर्म जाति पर ही वोट देंगे कहीं भी किसी भी चुनाव में, मुझे पता है, लेकिन मेरा काम है सही बात कहना, मैं कहूंगा। ये बात आप किसी चुनाव के संदर्भ में नहीं देख सकते, मैं 2017 से अकेला इन सवालों को उठाते आ रहा हूं। उसके पहले मुझे इसका नहीं, इनको परवेश साहब को डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मैं तो रास्ता बता रहा हूं परवेश साहब, मुझे तो डिप्रेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। खुर्शीद आलम कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ सैलरी रिडक्शन।
भाई मेरी भी कम हो गई है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो इसलिए आप लोग जिनकी सैलरी कम हुई है, अब सैलरी वापस होने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आप सब काबिल लोग हैं, आपको खराब एजुकेशन सिस्टम देकर कम काबिल बनाया गया है। किसी ने लिखा है वियतनाम सरकार ने भी 10,000 दिया है सबको, यहां देखिए 500 और 2,000 देकर ही गुणगान गा रहे हैं सब। मस्ता है, ये आपका अपमान है। आपकी नौकरी के साथ इस दौर में जो 6 साल में मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए, वक्त अब आपको नहीं मिलेगा। वक्त गुजर गया, अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, देश में बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकार के लिए या गोदी मीडिया के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.